महाराज भीष्मक ने मंत्री को बुलाया, बोले भैया मंत्री क्या कर रहे हो? बैठे हैं, बिटिया शादी के लायक है गई है। हमारी या तुम्हारी? हमारी। तुम्हारी बिटिया रुक्मणी? हाँ। अबे कहाँ ब्याह लेके है गई बिचारी, कल तो मैंने गोदी खिलाई है, आज शादी को है गई। ये बिटिया एकदम हेउ जाती हैं, खाते खाते पूरे दिन खाती हैं, सो खूब है जाती हैं। तो महाराज लली अगर ब्याह के लिए है गई है तो ब्याह करो, कोई लड़का ढूंढो। लड़का तो हम ढूंढेंगे। हाँ। लली रुक्मणी की उम्र कितनी है गई? 20 साल। 20 साल। अगर लड़का 20-22 साल का मिल जाए तो ठीक है, और न 10-10 बरस के दो लड़के ले आए। दिया के लिए पति सही, बच्चा ना चाहिए ना, मेरा मतलब 10 दूनी 20, 20 साल की बिटिया है जाएगी। कोई एक लड़का बताओ, ढंग का लड़का बताओ जो बिटिया के योग्य हो। आप देख रहे हैं क्या? तुम्हारे ये बेटा बैठे हैं और तुम्हारे मुंह की तरफ ताक रहे हैं कि पिताजी हमें कब मौका देंगे बोलने का। तो सबसे पहले इन्हें पूछ लो, इनकी नजर में कोई शायद लड़का हो, बाद में तो हम बता ही देंगे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। बोलो, कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? लड़का? हाँ है। कौन? जरासंध। तुम मोटे तो तुम्हारी बुद्धि मोटी, उम्र देख रहे हो बिटिया की लड़का की। अच्छा तो जाए पूछे छोटे। ओए पिताजी नमस्कार। खुसरो, कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? लड़का? हाँ बिल्कुल है। कौन? अगर हमारी नजर से देखा जाए तो द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? बहुत अच्छी बात है। सबसे छोटा पुत्र रुक्मी कहने लगा, पिताजी भगवान कन्हैया के सिवा बहन रुक्मणी के लायक कोई वर नजर नहीं आता। पिताजी बड़े मगन हुए, बोले तुमने तो बहुत अच्छी बात कही। सब हमें तालियां बजने लगी, तब तक सबसे बड़ा बेटा रुकम आ गया। पिताजी को प्रणाम स्वीकार हो मेरा। खुश रहो। आज सभा में बहुत चहल पहल है, ये क्या बट रहा है? पेठा बट रहा है, बड़ा खुशी है। हाँ। अरे किस बात की खुशी है जरा हमें भी बताओ। तुम्हारी बहन रुक्मणी का विवाह पक्का हो गया। विवाह पक्का हो गया, नाश्ता बटना शुरू हो गया। यस। वाह भाई वाह, राजा हो तो तुम जैसा राजा हो। बिटिया की शादी की बात चली, नाश्ता बटने लगा, और शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा। पिताजी खैर अच्छी बात है, आपने लड़का देखा है, भाइयों ने देखा है, सारी समाज ने बर को चुना है। हाँ हाँ। अच्छा ही होगा, लेकिन उसका नाम पता है, मैं भी चल जाए तो। उनका नाम है भगवान द्वारकाधीश कन्हैया। द्वारकाधीश उस लड़के को आप भगवान बता रहे हैं? क्यों क्यों? अरे जिसने बन बन में गाय चुराई हो, घर घर में जाकर के माखन की चोरी की हो, और तो और लड़कियों के चीर चुराए हो, भला वो मेरी बहन के लिए दूल्हा नहीं हो सकती शादी? क्यों? शादी हम चाहेंगे वहां होगी। अच्छा, तुमने कोई लड़का देखो है? अरे देख रखा है, बहुत पहले से देख रखा है। क्या नाम है उसका? इतना सुशील और सज्जन है, जिसका समाज में व्यवहार है, दौलत से भरा भंडार है, अपना खास रिश्तेदार है। कौन? पुरानी रिश्तेदारी भी है। कौन है? देखने में बहुत भोला वाला है, बहुत पैसे वाला है, रिश्ते में मेरा खास नाला है। है? हाँ। ओ नालायक, तू अपनी शादी अपने बहन की शादी अपने साले के साथ करेगा? कौन सा पार टूट पड़ेगा? जब उसने अपने बहन अपनी मुझे दे दी, हम उसे दे देंगे, व्हाट द प्रॉब्लम? पूरी प्रॉब्लम में शादी बानी होगी, शादी कन्हैया के साथ में होगी। अगर कन्हैया के साथ में शादी होगी तो इस कुंदनपुर में
हलवा नाश्ता नहीं, खून की नदियां बहेंगे, खून की नदियां। अरे कहने लगा रुकम सुनो पिताजी। और यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारी चल जाएगी, और यदि सालो दूल्हा नाई बनो तो नदियां सी बह जाएगी। अरे जन बन बन गाए चराए और दल लूटी लूटी के खाए, अरे जन बन बन गाए मेरी है। राजा कहने लगा बिटिया मेरी है। लगता है बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारे बुद्धि के बोंड ढीले हो गए। औकात में रहो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप बाप हैं अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोच लो कि बेटा मैं तुम्हारा ही हूँ। हाँ भैया, रुकम वहां से पैर पटकता हुआ निकला, मंत्री को बुलाया, बोले भैया पाती लिखो। तैयार है आप पाती लिखवाई? पता ही है पाती कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी ये पाती? चंदेरी के राजा सुषपाल के यहाँ जाएगी। पाती में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, साफ साफ लिखना। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अरे हम बहुत पुराने लिखिया है तुम्हारे, हमारे बाप दादा भी तुम्हारे यहाँ लिखिया मुंशी बन के आए। अच्छा, पुश्तैनी एक ही काम है मेरा। हाँ हाँ, आप लिखवाए, साफ साफ लिखना है, पाती लिखवाई ऐसा ही है। अरे सीधी सीरी सवलाई सीधी सीरी सवाल।
करके भिजवा दी। भैया पाती जब पहुंची है राजा सुसपाल के यहाँ चंदेरी में, सुसपाल ने जब पाती को पढ़ा गद्दी ते साथ हाँ तूलो, बोले भगवान हमारे जैसे जीजा सब की होवे। कितने बढ़िया मेरे जीजा है, वो तो इतनो पागल, खुशी में कहूं पैर डारे तो कहूं जावे। आंगन में पहुंचो भाभी के पास, बोले भाभी दूल्हा बनाओ। भाभी दूल्हा बनाओ। का बिजली बिजली को करंट लग गो, ऐसे टकर आ रहे पूरे तो पूरे ससियाट में आज पल्ले कुन्ना पर पहुंच गई होगी। दूल्हा बनाओ। दूल्हा हाँ शादी करने जा रहे हैं। दिन में सपनों देख रहे का? सपनों ना है हकीकत है। सपनों देखो तुम, हम क्यों देखें? एक चीज बताएं। हाँ जी। ब्याह ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं? ब्याह बंजने में बहुत ठटकरम करने पड़ता है। ठटकरम में तो ब्याह उठक जाता है ऐसे ही, ठीक है? कहाँ थे रो ब्याह उतना? इतनी बढ़िया देवरानी लेके आई है, बिना लंटन को घर में जी तो करे। मैं किसम? तुम्हारी किसम? ये तो ये 5-6 रुपया बिल के लगता है महीना पे, ये कनेक्शन कटवाए थे। दूल्हा बनाओ, बातें नहीं करो। तो पहले नहाए धोए तो लियो दूल्हा ऐसे धोरे। ना 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 ना, मुझे दूल्हा बनाओ। बहुत तो जननी है अब जाए जी, लग रही है कि जितनी जननी में ब्याह हो पाए। लली अच्छा नहीं आ पल्ले मोहल्ला में चली जा, बेज्ञान श्री अम्मा होंगी मिनट ले आइए। अजय बैठी तो ले हो यार को राम बैठी है और वे बुआ कहाँ है? गिरजा बुआ, अगर बुआ नहीं आई तो ये ब्याह नहीं है पायरो। पापर को से कह गो बेस जो करती है, जो कुछ करती है तू। हाँ हाँ लली रुक जा लला, अब यार तो दूल्हा बना रहे हैं, 2-4 बिटरियां जल्दी करो, टाइम ना है मेरे पास। ये तो जा ही रहे, चलिए जा भैया। भाभी ने 2-4 लड़कियां इकट्ठी करी, बोले जाओ गांव में नौता दे आओ, सुसपाल की शादी है रही। 2-4 बिटियां संग ले आई, बोले चलो हमारे देवर को दूल्हा बनाओ। दादा दूल्हा बनाने लगे हैं तो अशगुन हुए ऐसा ही नहीं।